हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्ट्रक्शंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ ए बाइनरी पैटर्न विच इज जनरली यूज टू डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक ऑपरेशन इन माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है, बाइनरी पैटर्न होता है और उसको हम डिजाइन करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में किसी भी एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, एंड द ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नोन एज इंस्ट्रक्शन सेट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं हमारे पास, इंस्ट्रक्शन सेट। और जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उसके हमारे पास क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है हमारे पास, ऑप कोड का। ऑप कोड होता है हमारा स्पेसिफाई द ऑपरेशन विच हैव टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि जो हमारा इंस्ट्रक्शन है उस पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है यह हमें कौन बताता है, ऑप कोड। और जो हमारा ऑपरेंड होता है इसमें हमारा क्या होता है, डेटा होता है। यहाँ पर हम एग्जांपल में देखते हैं, ए और बी हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे ऑपरेंड्स है, इनमें हमारे जो ए और बी है इनमें हमारे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारे पास डेटा। और जो हमारा ये प्लस वाला है, ठीक है, ये प्लस वाला है, इसमें ये क्या हमारे पास, ऑप कोड, जो बता रहा है कि जो ए एंड बी है इस पर क्या परफॉर्म करना हमें, एडिशन। ठीक है, अब देखते हैं हम इंस्ट्रक्शन कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे पास इंस्ट्रक्शन होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, जिनमें जिसमें फर्स्ट होता है हमारे पास वन बाइट इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है, इन वन बाइट इंस्ट्रक्शन जनरली द ऑप कोड एंड ऑपरेंड आर 8 बिट और 1 बाइट। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ऑप कोड होता है और जो ऑपरेंड होता है वो क्या होता है, 8 बिट का या फिर 1 बाइट का। ठीक है, जनरली इन दिस इंस्ट्रक्शन ओनली 1 बाइट ऑफ मेमोरी लोकेशन आर रिक्वायर्ड, क्योंकि ये जो हमारा होता है ऑप कोड ये कितने बाइट का होता है हमारे पास, 1 बाइट का, तो इसलिए इसको मेमोरी भी कितनी चाहिए इसको, 1 बाइट की। यहाँ पर हम इसका फॉर्मेट देख सकते हैं, इसमें क्या हमारे पास ओनली ऑप कोड है। ठीक है, ओनली ऑप कोड इज प्रेजेंट। अब ऑप कोड होता क्या है, ऑप कोड होता है जैसे हमारे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जैसे यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, मूव, यानी कि जो भी सी में डेटा वो कहाँ पर भेज दो हमारा, बी में। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ऑप कोड। अगर हम ऑप कोड की बात करें तो हमारे पास एक ऑप कोड होता है यहाँ पर हाल्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हमारा जो सिस्टम है वो यहाँ पर आगे क्या हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ऑप कोड का ऑपरेशन होता है। अब बात करते हैं हम 2 बाइट इंस्ट्रक्शन की। तो 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, द फर्स्ट बाइट ऑफ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द ऑपरेशन ऑफ ऑप कोड। ठीक है, यानी कि जो 2 बाइट का जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो फर्स्ट बाइट होती है वो किसको बताती है, हमारी ऑप कोड की, यानी कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है। एंड इन द सेकेंड बाइट ऑफ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाई द ऑपरेंड और डेटा। जो हमारा सेकेंड बाइट होता है, ठीक है, जैसे 2 बाइट का है तो उसमें फर्स्ट बाइट से क्या बताती है, हमारी ऑप कोड को, और सेकेंड जो बाइट होती है वो क्या बताती है, हमारे ऑपरेंड को। ठीक है, और दिस वी रिक्वायर 2 सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन। इसमें हमें कितने मेमोरी लोकेशन की आवश्यकता है, 2, जिसमें फर्स्ट वाला होता है हमारा कौन सा, ऑप कोड का। ठीक है, और सेकेंड होता है हमारे पास ऑपरेंड का। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जो MVI है ये क्या हमारे पास, ऑप कोड, और जो हमारे पास ये है ये हमारे पास क्या है, ऑपरेंड। 57 क्या है हमारे पास, ऑपरेंड। ठीक है, अब यहाँ पर MVI इज द फर्स्ट बाइट ऑफ द डेटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या, फर्स्ट बाइट, कौन सा, MVI, यानी कि ये क्या हमारे पास, ऑप कोड। और हमारे पास ये क्या है, 57H, 57H का मतलब है जो H है यहाँ पर हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इज द सेकेंड बाइट ऑफ डेटा। तो ये होता है हमारे पास 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं हम 3 बाइट इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो यहाँ पर जो 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है उसमें क्या हमारा, इसमें होता है हमारा द 3 बाइट स्पेसिफाइज द ऑप कोड और ऑपरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट बाइट होती है वो क्या हमें बताती है, ऑप कोड के बारे में, जैसे कि हमारा 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में भी था। अब बात करते हैं सेकेंड एंड थर्ड जो बाइट होती है वो हमारी बताती है किसको, ऑपरेंड को। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास दो हमारे पास फील्ड क्यों है यहाँ पर, क्योंकि इसमें हमारे, अब मान के चलते हैं हमारा डेटा है अगर वो बड़ा है तो हम क्या करेंगे उसको, इन दोनों को एक साथ यूज करके हम उस डेटा को आसानी से उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, और इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन वी जनरली यूज 16 बिट डेटा और 16 बिट मेमोरी लोकेशन। ठीक है, फर्स्ट बाइट होती है इसमें, फर्स्ट बाइट स्टोर द ऑप कोड और ऑपरेशन। ठीक है, सेकेंड बाइट क्या करती है हमारी, सेकेंड बाइट स्टोर द लोअर ऑर्डर 8 बिट ऑफ
बिट ऑपरेंड, ठीक है, लोअर ऑर्डर 8 बिट ऑफ 16 बिट ऑपरेंड, यानी कि जो हमारा 16 बिट का, जैसे यहाँ पर 1 2 3 ऐसे जो हमारे 16 बिट हो जाएगी, तो उसमें से जो हमारी लोअर होती है यानी कि राइट हैंड वाली, ठीक है, ये हमारी क्या होती है 8 बिट की होती है। तो ये किस में आता है, हमारा सेकेंड जो हमारा पार्ट होता है उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं D0 से D15, तो यहाँ पर जो ये इतना पार्ट है ना, ठीक है, ये इतना पार्ट किस में आता है हमारा सेकेंड बाइट में। और अब बात करते हैं थर्ड बाइट की, तो थर्ड बाइट क्या होता है, थर्ड बाइट स्टोर द हाइयर ऑर्डर 8 बिट ऑफ 16 बिट ऑपरेंड, यानी कि इस पूरे 16 बिट ऑपरेंड में, ठीक है, पूरे 16 बिट ऑपरेंड में हमारा जो हाइयर ऑर्डर यानी कि ये D15 से D7 तक जो है हमारा, ये क्या हमारा हायर ऑर्डर ऑपरेंड है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर ये हमारा क्या हायर ऑर्डर 8 बिट और ये क्या हमारा लोअर ऑर्डर 8 बिट, ठीक है, D0 से D7 और D8 से D15 क्या हमारा हायर ऑर्डर। अब फॉर्मेट में देख लेते हैं हम, यहाँ पर जो हमारे ये क्या फर्स्ट वाला ओपकोड, सेकेंड बाइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है हमारी ओपरेंड को, थर्ड बाइट भी किसको रिप्रेजेंट कर रही है हमारी ओपरेंड को। यहाँ पर जो ST, ठीक है, ST का मतलब होता है हमारा स्टोर करना, कहाँ पर स्टोर करना, एक्यूमुलेटर में, ठीक है, तो एक्यूमुलेटर में स्टोर करना, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे ओपरेंड है वो कौन कौन से है, देखो यहाँ पर ST क्या है हमारा ओपकोड, ठीक है, और जो A है यानी एक्यूमुलेटर है वो क्या है यहाँ पर ओपरेंड, और जो हमारा 5600 है ये क्या हमारे पास, ये भी ओपरेंड है, यानी कि ये A है जो हमारा एक्यूमुलेटर वो आएगा हमारा इस वाले में यानी कि सेकेंड बाइट वाले में, और जो 5600 है वो कहाँ पर आएगा हमारा ओपरेंड में। तो ये होता हमारा थर्ड बाइट स्ट्रक्चर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।